हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देवली इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडी फ्रीडिस का एनुअल ई ऑक्शन हो चुका है और 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीडिस में नए चैनल्स ऐड हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से उन सभी चैनल्स को डीडी फ्रीडिस में ऐड कर सकते हैं। अगर अभी आप अपने सेटअप बॉक्स को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चैनल्स जो हैं वह अभी अब पहले वाले नहीं दिखाई देंगे और साथ ही कुछ चैनल्स नए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन नाम कुछ और चैनल कुछ और आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ MTV बीट्स आप देख सकते हैं, इसकी जगह पे आपको PRTV देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर MTV बीट्स लिखा हुआ चैनल का नाम हमारे पास आ रहा है, लेकिन चैनल जो हमें शो हो रहा है PRTV। तो इसी तरह से आपको और भी बाकी के चैनल्स देखने को मिल रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं और अपने DD Fluid के सेटअप बॉक्स में सभी नए चैनल्स को ऐड करने सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सेटअप बॉक्स का मेनू बटन प्रेस करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने सभी चैनल्स जो हैं वो डिलीट करने होंगे, उसके बाद में आप सभी प्रकार के नए चैनल्स को ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रोग्राम एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आप देखेंगे डिलीट ऑल प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप ओके करेंगे, साइड में प्रेस करके ओके करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारे चैनल जो हैं हमारे डिलीट हो चुके हैं और नो TV प्रोग्राम अब आपको देखने को मिल रहा है। तो बैक आते हैं और बैक आने के बाद अब हम यहाँ TV लिस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर हमें कोई TV चैनल देखने को नहीं मिलेगा। आपको मेनू में फिर से आना है और इस बार ये रेडियो चैनल्स पर ओके करना है और अब की हम इन रेडियो चैनल्स को जो है वो डिलीट कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारे पास कुछ 132 DD Fluid पर रेडियो चैनल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको फिर से एक बार मेनू में आना है और मेनू में आने के बाद एक बार फिर से एडिट प्रोग्राम में जाना है और डिलीट ऑल पर क्लिक करके आपको सभी रेडियो प्रोग्राम जो है डिलीट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास रेडियो प्रोग्राम भी नहीं है और साथ ही साथ TV चैनल लिस्ट भी हमारी खाली हो चुकी है। तो अब आपको नीचे प्रोग्राम सेटअप में आना है। सेटअप में आने के बाद सबसे पहले आपको ऑटो स्कैन करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ सिंपली ओके करना है और आपकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है DD Fluid का सेटअप बॉक्स MPG2 बॉक्स स्कैन होने लगा है और कुछ ही समय में इसमें नए चैनल देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो में मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सभी नए प्रकार के चैनल अपने DD Fluid में ऐड कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ चैनल जो है हमारे पास आने लगे हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने चैनल और कौन कौन से चैनल DD Fluid में ऐड हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास TV लिस्ट में 94 चैनल और रेडियो लिस्ट में 40 चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं। स्कैनिंग अभी भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है और इसे कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं टोटल कितने चैनल हमें DD Fluid में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास TV लिस्ट में 208 चैनल और रेडियो लिस्ट में टोटल 88 चैनल जो है वो आ चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है और आप लोग देखेंगे आपको मेनू से बाहर आना है। हम सीधा TV लिस्ट में जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर 208 चैनल जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी चैनल्स हैं हमें सभी मिल चुके हैं। यहाँ अगर आप लोग देखें तो News24 ये भी आपको एक नया चैनल देखने को मिल रहा है। इसमें DD Fluid में ये पहले चैनल नहीं था, 1 अप्रैल 2024 से पहले ये DD Fluid में नहीं था। और साथ ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये राप्चिक चैनल जो है ये भी DD Fluid में एक नया ऐड हुआ है, ये भी आपको नया देखने को मिलेगा इसमें। और साथ ही बात करें गोल्ड माइंस भी, ये शायद पहले से ही था, गोल्ड माइंस बॉलीवुड पहले से ही था ये। इसके बाद में और चैनल देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास नए आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सन नियो के नाम से एक चैनल देखने को मिल रहा है, इसका जो है अभी स्लॉट खाली है, इस पर अभी काम चल रहा है, इसे धीरे धीरे इसमें ऐड कर दिया जाएगा। कितने टाइम बाद ऐड होगा ये अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन सन नियो के लिए जो चैनल लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर एक स्लॉट छोड़ा हुआ है। और बाकी बात करते हैं और चैनल्स की, तो बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे चैनल्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। स्टार गोल्ड थ्रिल्स ये भी हमारे पास पहले से ही था, गोल्ड माइंस मूवी ये भी पहले से ही था, चुंबक TV, संस्कार, पॉपुलर TV। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन सिनेमा के नाम से नया चैनल देखने को मिल रहा है जो कि जी एक्शन के नाम से, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक नया चैनल हमें देखने को मिल रहा है जो कि भूल मूवी हिंदी चैनल है, हिंदी मूवी चैनल है।
ये जी एक्शन जो है डी डी फिटिस में एक नया ऐड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको एक साधना टीवी भी नया देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पीआर टीवी ये भी आपको एक नया देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धमाल चैनल भी हमको देखने को मिल रहा है। धमाल भी एक नया चैनल है जो कि डी डी फिटिस में ऐड किया गया है। दोस्तों अगर डी डी फिटिस में फोटो स्कैनिंग करने के बाद भी आपका जो चैनल्स हैं डी डी फिटिस में ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आपको सिंपली एक स्टेप फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने सभी चैनल्स जो है डिलीट करने होंगे। तो मेनू में आना है, मेनू में आने के बाद प्रोग्राम एडिट पर ओके करके सभी चैनल्स को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद रेडियो लिस्ट पर जाएंगे और रेडियो लिस्ट को भी हम डिलीट कर देंगे। रेडियो लिस्ट भी डिलीट हो चुकी है हमारी और अब सिंपली मेनू में वापस आना है और यहाँ पर आपको सिंपली प्रोग्राम सेटअप में आना है। और टोटल प्रोग्राम सेटअप में आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू प्रोग्राम। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है जिससे कि आपके जो डीडी फीड्स में जो सभी चैनल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एलएनवी फ्रीक्वेंसी 1 में 09750 और एलएनवी फ्रीक्वेंसी 2 पर भी आपको 09750 और ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ पर 1147 और 0। नीचे सिंबल रेट में आपको रखना है 29500। यहाँ पर पोलैरिटी आपकी वी रहेगी। पोलैरिटी वी करने के बाद में आपको ओके कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास टीवी लिस्ट में 18 चैनल जो है ऐड हो चुके हैं और रेडियो चैनल में 8 चैनल हमारे पास ऐड चुके हैं। सिंपली आपको फिर से ओके करना है और ऐड न्यू प्रोग्राम पर एक बार फिर से ओके करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज आपको सेम रहने देनी है। यहाँ पर आपको ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी सिर्फ चेंज करनी होगी। पहले हमने 11470 रखा था, अब यहाँ पर 11170 रखेंगे और सिंपली इसको फिर से एक बारी ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि 18 और चैनल हमारे पास आ चुके हैं। आपको एक बार फिर से ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है और इस बारी ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी में आपको 11090 रखना है और फिर से एक बारी ओके करना है। देख सकते हैं 18 चैनल्स और हमारे पास आ चुके हैं। फिर से एक बारी ओके करेंगे और इस बारी यहाँ पर ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी में 11510 एक सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद इस बार देख सकते हैं आप लोग 20 चैनल्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर से एक बारी जाएंगे, इस बारी यहाँ पर 11550 और सिंपली आपको फिर से एक बार ओके प्रेस करना है और आप लोग देख सकते हैं कि 20 चैनल और हमारे पास ऐड हो चुके हैं। ये 5 टीवी लिस्ट डीडी फ्रीडिस में ऐड की गई हैं और इन सभी में आपको बाकी के अपने सभी चैनल देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको 94 चैनल जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं डीडी फ्रीडिस में। तो चलिए मेनू में वापस जाते हैं, मेनू बटन दबाएंगे, एक बार फिर से दबाएंगे तो आप मेनू दबाकर आप बाहर हो सकते हैं। यहाँ से टीवी लिस्ट पर एक बार ओके करेंगे और देखते हैं कि टोटल हमारे पास 94 चैनल जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डीडी फ्रीड से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी इसी तरह से अपने डीडी फ्रीड का सेटअप बॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, उसमें नए चैनल ऐड कर सकते हैं।